हेलो स्टूडेंट, जय स्वामी नारायण। टुडे वी कंटिन्यू विद द प्लेन टेबल सर्वे चैप्टर। ओके, इन दैट चैप्टर वी स्टडी द इक्विपमेंट एंड बेसिक इंट्रोडक्शन एंड इक्विपमेंट एंड एसेसरीज यूज्ड इन प्लेन टेबल सर्वे, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, मेथड्स ऑफ प्लेन टेबलिंग, उसमें आपने कौन सा मेथड देखा, रेडिएशन, इंटरसेप्ट, इंटरसेक्शन, ट्रावर्सिंग, रिसेक्शन, आपको मेथड बाकी है। ओके, लास्ट मेथड। ओके, देन सेटिंग अप द प्लेन टेबल ओवर द स्टेशन, वो भी आपने पढ़ा। कैसे प्लेन टेबल को फील्ड पे सेट करते हैं वो भी हमने पढ़ा। अभी लास्ट मेथड हम पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड द मेथड ऑफ रिसेक्शन। उसमें क्या होता है कि आपको दो पॉइंट ऑलरेडी प्लॉटेड होते हैं ऑन पेपर, आपको थर्ड पॉइंट प्लॉट करना है ऑन द बेसिस ऑफ जो भी प्लॉटेड पॉइंट है उसके बेस पे आपको थर्ड पॉइंट प्लॉट करना होता है। दैट इज कॉल्ड द मेथड ऑफ रिसेक्शन। उसका लोकेशन मुझे पता नहीं है, बट आपको क्या करना है, ए और बी का यूज करके जो भी आपके पास प्लॉटेड पोजिशन है, ओके, जो भी आपके पास स्टेशन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए और बी का, यहाँ पे मुझे ए और बी ऑलरेडी दिया हुआ है, तो पहले मैं क्या था कि इंटरसेक्शन मेथड में ए और बी का ही यूज़ करते थे, जबकि इसमें क्या है, आपको ए और पी का यूज़ करना है। दैट मीन्स ए स्टेशन और पी स्टेशन का यूज़ करके आपको एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ पी फाइंड आउट करना है और उसको ग्राउंड पे प्लॉट करना है, दैट मीन्स ऑन फील्ड आपको प्लॉट करना है। ओके, तो आप रिसेक्शन मेथड में ये सब प्रोसीजर होता है। देर आर फोर पॉइंट फोर मेथड्स ऑफ रिसेक्शन, बाय कंपास, बाय बैक साइटिंग, बाय टू पॉइंट प्रॉब्लम एंड बाय थ्री पॉइंट प्रॉब्लम। मेथड ऑफ रिसेक्शन में आप फिगर में पहले देख लो आप, इफ फॉर एग्जांपल एक टेबल है, वो मैंने कहाँ पे सेट किया है, पॉइंट स्टेशन ए पे सेट किया। तो हम सेंटरिंग, लेवलिंग, मार्किंग ऑफ नॉट, डायरेक्शन, वो सब प्रोसीजर कर देंगे। देन बाद में सेंटरिंग, लेवलिंग, मार्किंग ऑफ नॉट, डायरेक्शन करके आपको एलिडाइट कहाँ पे रखना है, ए पे रखना है, ए टू बी बाइसेक करना है। अभी यहाँ पे ए टू बी डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हो, तो आपके आपको कोई स्केल लेके उसका प्लॉटिंग ऑन ड्राइंग शीट करना है, दैट इज ए बी। देन आप नेक्स्ट क्या करोगे, ए पे एलिडाइट रखोगे, दैट मीन्स साइड वेंट ए पे रखोगे एलिडाइट का, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे टेबल पहले फिक्स नहीं होगा, यहाँ पे रेंडिंग रॉड होगा। ओके, तो ये क्यों दिखाया है, तो यहाँ पे आपको ऐसा इमेजिन करवाया है कि यहाँ से आपको टेबल यहाँ पे शिफ्ट करना है। बट इनिशियली इसमें क्या होता है कि जो भी पी पे स्टेशन है, टेबल एक पे एक स्टेशन पे ही फिक्स होता है, दूसरे पे फिक्स करना हो तो एक से उठा के दूसरे पे आप फिक्स कर सकते हो। ओके, तो ऐसा नहीं है कि भी दो तीन टेबल दे दिया और ड्राइंग तो आपको एक शीट में ही करना है ना, और जो भी प्लॉटिंग करना है वो एक ही शीट में करना है, तो फिर आपको एक ही शीट का यूज़ करना है और एक ही टेबल का यूज़ करना है और प्लॉटिंग करना है। अभी आप क्या करोगे, जो भी एलिडाइट है, ओके, एलिडाइट का जो साइड वन है वो आप ए पे रखोगे और किसको बाइसेक्ट करोगे, पी वन को। ओके, देन नेक्स्ट आप क्या करोगे, हमारे पास प्लॉटेड पोजीशन ए बी और पी वन है, तो अभी टेबल आप कहाँ पे सेट करोगे, तो आपको अप्रोक्सीमेटली पी वन कोई जगह पे ले लेना है। ओके, पी वन लेके आपको क्या करना है, पी वन पर प्लेन टेबल सेट करके आपको क्या करना है, तो आपको सेंटरिंग, लेवलिंग, जो भी हम प्रोसीजर करते हैं, ओरिएंटेशन, वो सब आपको करना है। इसमें रेफरेंस लाइन कौन सी रहेगी, ए पी वन रहेगी। ओके, उसका डिस्टेंस हमें पता नहीं है, तो आपको नेक्स्ट अभी क्या करना है, ओरिएंटेशन होने के बाद आपको एलिडाइट का साइड वेन कहाँ पे रखना है, बी पे रखना है। बी पे रख के आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को बाइसेक करना है। बाइसेक करने के बाद जो भी ये बाइसेक किया था, यहाँ से यहाँ तक मिला, तो उसको फिर बाद में एक्सटेंड करना है, तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ पी वन आपको मिल जाएगा। ओके, इट इज शिफ्टेड ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड जो भी है वहाँ पे ये शिफ्टिंग जो भी ग्राउंड है। ओके, तो ग्राउंड पे ये सब प्रोसीजर करना होता है। ओके,
ए टू पी वन, ए टू पी, पहले जो इंटरसेक्शन मेथड थी उसमें क्या था, ए और बी का यूज किया था, जबकि इसमें क्या है, तो आपको ए और बी का यूज करना है। दैट मीन्स यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन मिल गया तो उसका स्टेशन कहाँ पे मिलेगा, तो अकॉर्डिंग टू दिस पी वन आपको एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ पी मिल जाएगा। दैट इज द मेथड ऑफ रिसेक्शन। सपोज इट इज रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश ए स्टेशन एट पोजिशन पी, लेट अस सेलेक्ट टू पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द ग्राउंड, द डिस्टेंस ए बी इज मेजर्ड एंड प्लॉटेड टू एन स्टेबल स्केल, द लाइन ए बी इज नोन एज द बेस लाइन। ए बी को हम क्या बोल सकते हैं, बेस लाइन बोल सकते हैं। द टेबल इज सेट अप एट ए, इट इज लेवल सेंटर ओरिएंटेड बाय बाइसेक्टिंग द रेंजिंग रॉड एट बी, एंड द टेबल इज एट ग्राफ विद द एलेटाइट टचिंग द पॉइंट ए, द रेंजिंग रॉड एट बी इज बाइसेक्टेड एंड ए रे इज ड्रॉन, देन ए पॉइंट पी वन इज मार्क ऑन दिस वे बाय एस्टिमेटिंग विद द आई। मेथड ऑफ रिसेक्शन मैंने जो भी पहले डिस्कस किया वही है इसमें। ओके, द टेबल इज शिफ्टेड एंड सेंटर्ड इन सच ए वे दैट पी वन इज जस्ट ओवर पी। ओके, तो आपको टेबल ऐसे शिफ्ट करना है कि पी वन ही एग्जैक्टली पी पे आए। ओके, इट इज देन ओरिएंटेड बाय बैकसाइटिंग द रेंजिंग रॉड एट पी। दैट मीन्स आपको रेफरेंस लाइन कौन ही ले कौन सी लेनी है, तो रेफरेंस लाइन में आपको बेस लाइन ए टू पी लेना है। ओके, तो द एलिडाइट टचिंग पॉइंट बी द रनिंग रोड एट बी इज बाइसेक्टेड एंड रे स्टोन, सपोज दिस रे इंटरसेक्ट्स द प्रीवियस रे एट ए पॉइंट पी, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ द स्टेशन पी ऑन द शीट, then the actual position of the station is marked on the ground by UFOS and from box. Okay, then next by compass. This method is used only for small scale or rough mapping. Let AB be the two visible stations. Okay, which have been plotted on the sheet. इसमें क्या है, देखो इसमें ए बी प्लॉट किया हुआ है, तो आप ए पे से ए को बाइसेक करो, बी को बी से बाइसेक करो। ओके, और ए जो भी ए से ए बाइसेक, दैट मीन्स ए और बी दोनों प्लॉटेड ऑन द शीट, दैट मीन्स कि जो भी शीट है आप उसमें ए और बी का लोकेशन दिया गया है, डिस्टेंस भी दिया गया है, तो आपको क्या करना है, ए पे साइड वेन रखना है, वहाँ से ए को बाइसेक करके वो रे अटेम्प्ट करना है, देन अगेन सी बी पे आपको एलिडाइट रखना है, बी पे एलिडाइट रख के आपको क्या करना है, बी को बाइसेक करना है और रे को एक्सटेंड करना है, तो एक लोकेशन मिलेगा, दैट इज द लोकेशन ऑफ स्मॉल सी। ओके, सो दैट इज कॉल्ड बाय कंपास मेथड। मैथड इज यूज ओनली फॉर द स्मॉल स्केल और रफ मैपिंग। लेट ए बी ए एंड बी बी द टू विजिबल स्टेशन विच हैव बीन प्लॉटेड ऑन द शीट एज बी एंड बी, लेट सी बी द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन टू बी लोकेटेड ऑन द प्लान एंड सेट सेट द टेबल एट सी एंड ओरिएंटेड विद द कंपास, क्लैंप द टेबल, दैन पिवोटिंग द एलिडाइट अबाउट ए एंड ड्रॉ ए रे टूवर्ड्स प्राइमरी टू Pivoting the Eldite about A, draw A ray towards capital A, as similarly pivoting the Eldite about B, draw A ray towards capital B, as B B dash, the intersection of A dash and B B dash will give the point C on the paper. Okay. दूसरे दो मेथड है, ओके, टू पॉइंट प्रॉब्लम एंड थ्री पॉइंट प्रॉब्लम, तो अभी हम वो बाद में देखेंगे। अभी
अभी देख रहे हैं, पॉइंट्स टू बी कैप्ट इन माइंड इन प्लेन टेबलिंग. तो क्या आएगा, कौन से पॉइंट आपको मार्क करने हैं जब भी आप प्लेन टेबलिंग प्रोसीजर करते हो. ओके, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी कैप्ट इन माइंड व्हाइल डूइंग द प्लेन टेबल सर्वे. ग्राउंड पॉइंट्स शैल बी मार्क्ड एज ए बी सी एक्सेट्रा एंड प्लान पॉइंट्स ऑन पेपर शैल बी मार्क्ड एज ए स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी. दैट मीन्स तो कैपिटल ए बी सी जो भी स्टेशन है उसको आपको स्मॉल ए बी सी के फॉर्म में मार्क करना है. द रे इज ड्रॉन फ्रॉम द सर्वे स्टेशन टू द ऑब्जेक्ट शैल बी ड्रॉन बाय डैश लाइन. दैट मीन्स आप जो भी रेज ड्रॉ कर रहे हो फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू द फ्रॉम सर्वे स्टेशन टू ऑब्जेक्ट. ओके, दैट मीन्स सर्वे स्टेशन आपका जो भी स्टेशन से वह किया है, फ्रॉम सर्वे स्टेशन टू ऑब्जेक्ट आप जो भी रेज ड्रॉ करते हो वो डैश लाइन से ड्रॉ करना है. पैलेटाइट शुड बी प्रॉपरली प्योरेटेड वाइल साइटिंग द ऑब्जेक्ट. पैलेटाइट आपको आपको ठीक से रखना है. ओके, देन द फर्स्ट सर्वे स्टेशन एंड द स्केल ऑफ द मैप शुड बी चूजन दैट द एंटायर एरिया कैन बी प्लॉटेड ऑन द पेपर. तो आपको ऐसा सर्वे स्टेशन सिलेक्ट करना है जिससे आप पूरा एरिया कवर कर पाओ. पूरा एरिया जो भी सर्वे वर्क करके आप जो भी प्लॉटिंग करने वाले हो वो पूरी पूरा एरिया शीट में आ जाए, ऐसा आपको फर्स्ट सर्वे स्टेशन सिलेक्ट करना है. वेल एस्टेब्लिशिंग द मैग्नेटिक नॉर्थ और पेपर यूजिंग ट्रफ कंपास थिंग्स कॉजिंग लोकल अट्रैक्शन शैल बी कैप्ट अवे ऑफ द टेबल. दैट मीन्स आप जब भी ओरिएंटेशन करते हो तो ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग और ओरिएंटेशन बाय मैग्नेटिक नीडल. तो मैग्नेटिक नीडल आप जब भी यूज करते हो तो आपको देखना है कि लोकल अट्रैक्शन आए वैसा एरिया नहीं है ना. वट डू अंडरस्टैंड बाई लोकल अट्रैक्शन. तो आपने प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेयर कंपास देखा, तो प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास में क्या है, जो भी नीडल होती है बीच में जिससे आप नॉर्थ डायरेक्शन या कोई एंगल लेते हो या बैरिंग मेजर करते हो, तो वो जो भी नीडल होती है वो मैग्नेटिक नीडल होती है. ओके, दैट मीन्स जो भी आजू बाजू मेटालिक सब्सटेंसेस होगा तो उसकी वजह से अंदर जो मैग्नेटिक नीडल है उसके रीडिंग में फर्क पड़ता है. दैट मीन्स एरर आता है, जो आना चाहिए वो नहीं आएगा. तो आपको ये देखना है कि जो भी एरिया में सर्वे में कर रही हूँ वो एरिया में लोकल अट्रैक्शन तो नहीं हो रहा है ना. ओके, वो आपको देखना है. द प्लेन टेबल शुड बी क्लैम्प्ड आफ्टर सेंटरिंग एंड लेवलिंग एंड द टेबल शुड बी रोटेटेड एट द टाइम ऑफ ओरिएंटेशन. आपको टेबल को फिक्स कर रखना है, बट ओरिएंटेशन जब भी आप प्रोसीजर करते हो तभी ही आपको तो टेबल को रोटेट करना है. द एरर्स इन प्लेन टेबलिंग, द वेरियस सोर्सेस ऑफ एरर्स में बी क्लासिफाइड एज इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, एरर्स इन मैनिपुलेशन एंड साइटिंग, एरर्स इन प्लॉटिंग. ओके, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर में क्या आ सकता है, तो सरफेस जो भी सरफेस ऑफ द ड्राइंग बोर्ड इज नॉट प्लेन. दैट मीन्स ड्राइंग बोर्ड की सरफेस प्लेन नहीं है तो उसकी वजह से आपका जो भी सर्वे वर्क है उसमें एरर आएगा. द एज ऑफ द एलिडाइट इज नॉट स्ट्रेट. दैट मीन्स एलिडाइट की एज जो भी है, ओके, दैट इज विजुअल एज. जो भी जिस जहाँ पे भी स्केल मार्क किया होता है दैट इज कॉल्ड द विजुअल एज. तो वो स्ट्रेट नहीं है तो भी रीडिंग में प्रॉब्लम आएगा और एरर्स आएगा. द ऑब्जेक्ट वैन एंड द साइट वैन आर नॉट परपेंडिकुलर टू द एलिडाइट. जो भी एलिडाइट है उसमें ऑब्जेक्ट वैन और साइट वैन जो भी है वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू एलिडाइट होना चाहिए. वो ना हो तो भी एरर आएगा. द एज ऑफ द एलिडाइट इज नॉट पैरेलल टू द लाइन ऑफ साइट. जो एज ऑफ द एलिडाइट है वो हमने लाइन ऑफ साइट है उसके पैरेलल नहीं रखा है तो भी क्या होगा, आपके जो भी रीडिंग्स है उसमें एरर आएगा. तो फिक्सिंग क्लैम्प इज नॉट प्रॉपर. दैट मीन्स जो भी क्लैम्प है ड्राइंग बोर्ड के नीचे जो भी क्लैम्प है वो प्रॉपर नहीं है. दैट मीन्स जो भी टेबल है वो ट्राइपॉड स्टैंड के साथ बराबर फिक्स नहीं हो रहा है तो भी रीडिंग्स में एरर आएगा. देन एरर्स इन मैनिपुलेशन एंड साइटिंग, तो उस वो कैसे आएगा, किस वजह से आएगा, तो डिफेक्टिव लेवलिंग. दैट मीन्स लेवलिंग प्रॉपर नहीं किया है, साइटिंग प्रॉपर नहीं किया है, ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं किया है, सेंटरिंग प्रॉपर नहीं किया है. मूवमेंट ऑफ द बोर्ड बिटवीन द साइट्स, दैट मीन्स मूवमेंट ऑफ बोर्ड बिटवीन द साइट्स जो भी है वो आपने प्रॉपर नहीं किया है. ओके, तो भी एरर आएगा. मूवमेंट ऑफ बोर्ड, मूवमेंट ऑफ बोर्ड दैट मीन्स
बिटवीन द साइड्स, दैट मीन्स आप जो भी मूवमेंट दे रहे हो ओके प्लेन टेबल में, तो वो साइड्स में मूवमेंट प्रॉपर नहीं दिया है, दैट मीन्स आपको ए को बाइसेक करना है, तो आप ए को बाइसेक किए बिना ही आपने वो रे ड्रॉ कर दिया, या थोड़ा आगे पीछे हो गया तो भी उसमें एरर आएगा. एरर्स इन प्लॉटिंग, एरर्स इन प्लॉटिंग में क्या आएगा, डिफेक्टिव स्केल ऑफ मैप, दैट मीन्स जो भी स्केल में डिफेक्ट है, डिफेक्टिव स्केल ऑफ मैप, दैट मीन्स कि जो भी स्केल में डिफेक्ट होगा तो प्लॉटिंग प्रॉपर नहीं होगा. रॉन्गली इंटरसेक्टिंग द रेज ड्रॉन फ्रॉम टू डिफरेंट स्टेशन, तो जो भी आपने इंटरसेक्टिंग किया है, द रेज इंटरसेक्ट किया है, रॉन्गली इंटरसेक्टिंग, दैट मीन्स इंटरसेक्शन मेथड प्रॉपर से नहीं किया है ओके फ्रॉम टू डिफरेंट स्टेशन, तो भी प्लॉटिंग में एरर आएगा ओके. अभी जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा तभी हम 2 पॉइंट प्रॉब्लम और 3 पॉइंट प्रॉब्लम पढ़ेंगे ओके. आज के लिए इतना ही. आपने कौन सी मेथड देखी, दैट इज द मेथड ऑफ रिसेक्शन ओके. उसमें ऑलरेडी 2 पॉइंट प्लॉट किया होता है, उसमें से थर्ड पॉइंट आपको प्लॉट करना होता है, उसका डिटेल्स लेके आपको जो भी प्लॉटिंग है वो उसका रेफरेंस लेके आपको थर्ड पॉइंट प्लॉट करना होता है ऑन शीट, एंड देन शीट पे से आपको किस में ट्रांसफर करना होता है ऑन फील्ड, आपको वो पॉइंट प्लॉट करना होता है एज ए स्टेशन ओके. तो आप इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में 2 पॉइंट प्रॉब्लम 3 पॉइंट प्रॉब्लम वही पढ़ना है ओके. देन आफ्टर आपका चैप्टर नेक्स्ट द मेथड इज द 2 पॉइंट प्रॉब्लम विद एलडाइट सेंटर्ड ऑन बी. ये इस मेथड में आपको क्या करना है 2 पॉइंट प्रॉब्लम में ओके. तो यहाँ पे आपको आपके पास पी और क्यू स्टेशन है ओके. ऑलरेडी यहाँ पे आपने रेंजिंग रॉड फिक्स किया हुआ है पी और क्यू स्टेशन पे. सपोज पी क्यू आर टू वेल डिफाइंड पॉइंट्स हुज पोजिशन आर प्लॉटेड ऑन द मैप एज स्मॉल पी एंड क्यू. दैट मीन्स यहाँ पे पेपर पे पी और क्यू स्टेशन प्लॉट किया हुआ है, उसका डिस्टेंस भी पता है. दैट मीन्स यहाँ पे एक लाइन मिलेगी पी क्यू, वो आपके पास ऑलरेडी है. इट इज़ रिक्वायर्ड टू लोकेट ए न्यू स्टेशन एट ए बाय परफेक्टली बाइसेक्टिंग पी एंड क्यू. तो आपको क्या करना है, परफेक्टली पी और क्यू को बाइसेक्ट करके आपको ए का लोकेशन फिक्स करना है ओके. एन एक्सिलरी पॉइंट स्टेशन एक्सिलरी स्टेशन बी सिलेक्टेड एट ए सुटेबल पोजिशन. दैट मीन्स बी आपको ऐसे सिलेक्ट करना है, रैंडमली आप सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे पैग रखो और उस पर आपका यू फॉर्क एंड प्लम्ब ऑफ आना चाहिए. तो अभी आप नेक्स्ट क्या करोगे, द टेबल इज सेट अप एट बी लेवल एंड ओरिएंटेड बाय आई एस्टिमेटेड. इट इज देन क्लैम्प्ड विद द एलेडाइट टचिंग पी एंड क्यू. दैट मीन्स पी और क्यू को एलेडाइट पी पे आप पहले एलेडाइट रखो ओके. ये पी स्टेशन जो भी है यहाँ पे रंजिंग रोड एट पी जो भी है उसको बाइसेक करो और एक रे ड्रॉ करो, उसको पीछे एक्सटेंड करो. अगेन क्यू पे आप एलेडाइट रखो ओके यहाँ पे, और यहाँ से आपको क्यू को बाइसेक करना है और ये एक्सचेंज करना है, तो एक एग्जैक्ट एक लोकेशन आपको बी मिलेगा ओके. दैट इज द लोकेशन ऑफ बी. द टेबल इज सेट अप एट बी लेवल एंड इट इज क्लैम्प विद एलडाइट टचिंग पी एंड क्यू. द पॉइंट पी एंड क्यू आर बाइसेक्टेड एंड रेज आर डॉन. सपोज दिस रेज इंटरसेक्ट एट बी विद द एलडाइट सेंटर्ड ऑन बी ओके. द एलडाइट सेंटर्ड ऑन बी दैट मीन्स आपको बी की जो भी पोजिशन मिली ओके विद द एलडाइट सेंटर्ड ऑन बी द रेंजिंग रॉड एट ए इज बाइसेक्टेड. दैट मीन्स ए को आपको बाइसेक करना है, एक रे ड्रॉ करना है और अप्रोक्सीमेटली उसको ए वन नाम देना है. देन बाय आई एस्टिमेशन ए पॉइंट ए वन इज मार्क ऑन दिस वे. द टेबल इज शिफ्टेड एंड सेंटर्ड ऑन ए. दैट मीन्स अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे एक रेंजिंग रॉड फिक्स कर देना है और दूसरे जो भी स्टेशन है ए उस पर आपको ये प्लेन टेबल सेट करना है ओके. इट इज लेवल्ड एंड ओरिएंटेड बाय बैक साइटिंग विद द एलेडाइट टचिंग पी. दैट मीन्स पी पी को आपको पी पे एलेडाइट रख के आपको क्या करना है, द टेबल इज शिफ्टेड एंड सेंटर्ड ऑन ए विथ ए वन जस्ट ओवर ए ओके. तो आपको ए पे सेंटर ए पे टेबल रखना है और ए वन का लोकेशन फिक्स करना है. यहाँ पे आपके पास ए वन का लोकेशन है ही ओके. उसका कितना
वो पॉइंट कहाँ पे आएगा वो पता नहीं है, बट आपके पास ये A1 का लोकेशन है। ओके, इट इज लेवर्ड एंड ओरिएंटेड बाय बैक साइटिंग विद एलिडाइट टचिंग पॉइंट पी। ओके, द पॉइंट पी इज बाइसेक्टेड इन ए रे इज ड्रॉन, दैट मीन्स पी पे यहाँ पे आप एलिडाइट रखेंगे, अगेन पी को बाइसेक्ट करेंगे, एक रे ड्रॉ करेंगे P2A1। ओके, देन सपोज दिस रे इंटरसेक्ट्स द लाइन BA1 एंड पॉइंट A1 एज वॉज एज्यूम, देन विद द एलिडाइट सेंटर्ड ऑन A1। आपको एलिडाइट पे एलिडाइट कहाँ पे रखना है, A1 पे रखना है, उससे क्यू बाइसेक्ट करना है। क्यू बाइसेक्ट करेंगे तो जो भी बी क्यू लाइन है और जो भी PA1 लाइन है, ओके, द टेबल विद द एलिडाइट सेंटर्ड ऑन A1 द पॉइंट क्यू इज बाइसेक्टेड, ओके, एंड ए रे इज ड्रॉन, सपोज दी रे दिस रे इंटरसेक्ट्स द रे बी क्यू एट Q1, दैट मीन्स यहाँ पे बी क्यू है वो QA1 को किस में मिलेगा, Q1 में मिलेगा। ओके, उसको नाम देना है Q1। देन द ट्राइंगल पी क्यू Q1 इज नोन एज द ट्राइंगल ऑफ एरर, दैट मीन्स जो ट्राइंगल है पी क्यू Q1, दैट इज कॉल्ड द ट्राइंगल ऑफ एरर। ओके, देन इट इज एलिमिनेटेड, दैट मीन्स उसको आपको जो भी एरर है उसको रिमूव करना है। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, द एलिडाइट इज प्लेस्ड अलोंग लाइन PQ1, आपको एलिडाइट रखना है PQ1 पे। ओके, और PQ1 पे रख के आपको रेंजिंग रॉड एट R इज फिक्स्ड, दैट मीन्स PQ1 पे एलिडाइट रख के आपको रेंजिंग रॉड R फिक्स करना है। ओके, टेबल ओरिएंट नहीं करना है, दैट मीन्स रेंजिंग रॉड R पे फिक्स करना है, एंड देन सम डिस्टेंस फ्रॉम द टेबल देन द एलिडाइट इज प्लेस अलोंग द लाइन PQ। देन अभी क्या करना है आपको, जो भी लाइन PQ है उस पे एलिडाइट रखना है, एंड द टेबल इज टर्न टू बाइसेक आर, दैट मीन्स टेबल आपको अभी टर्न करना है, यहाँ पे एलिडाइट रख के आपको ये टेबल टर्न करना है और आर को बाइसेक करना है। ओके, देन द एलिडाइट इज प्लेस अलोंग द लाइन PQ एंड द टेबल इज टर्न टू बाइसेक आर, एट दिस पोजिशन द टेबल इज सेड टू बी परफेक्टली ओरिएंटेड, फाइनली विद द एलिडाइट सेंटर्ड ऑन PNQ द पॉइंट्स PNQ आर बाइसेक्टेड एंड द रेज आर ड्रॉन विद एलिडाइट सेंटर ऑन PNQ। आपको क्या करना है, PNQ पे आपको एलिडाइट रख के द पॉइंट्स PNQ आर बाइसेक्टेड एंड द रेज आर ड्रॉन, सपोज दिस रेज इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ए, दिस वुड रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ द रिक्वायर्ड स्टेशन ए, देन द स्टेशन ए इज मार्क्ड ऑन द ग्राउंड। तो देखो अभी वापिस पढ़ेंगे, हमारे पास ऑलरेडी प्लॉटेड पोजिशन ऑफ पी और क्यू है। ओके, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बी स्टेशन पे आपको ये प्लेन टेबल रखना है, प्लेन टेबल रख के आपको क्या करना है, पी और क्यू, यहाँ पे मुझे लोकेशन पता नहीं है कौन सा है, बट आपने बी पी एंड क्यू पे आपको जो भी है वो पी एंड क्यू, एक दो ही पॉइंट इसमें प्लॉटेड है और लाइन पी क्यू भी प्लॉटेड है, दूसरा कोई पॉइंट इसमें नहीं है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल बी पे अप्रोक्सीमेटली बाय आई एस्टिमेशन आपने क्या किया, तो आपने बी जो भी बी स्टेशन पे ये टेबल फिक्स कर दिया। ओके, देन नेक्स्ट अभी क्या करना है आपको, पी से कैपिटल पी बाइसेक करना है और क्यू से कैपिटल क्यू बाइसेक करना है, और दोनों विद द हेल्प ऑफ एलिडाइट, और आपको क्या करना है, यहाँ पे रे ड्रॉ करना है, यहाँ पे भी रे ड्रॉ करना है, दोनों को इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे करेगा, दैट इज बी। ओके, तो उसकी वजह से आपको बी का लोकेशन पता चल गया है कि यहाँ पे बी है। अभी क्या करना है, अगेन बी पे से आपको किसको बाइसेक करना है, A1 A से बाइसेक करना है, तो अभी आपको बी का लोकेशन एग्जैक्टली पता चल गया, उसको ग्राउंड पे आपको बाय यूजिंग यू फॉर्क एंड प्लम्बॉग आपको फिक्स करना है वो पॉइंट। ओके, देन अभी नेक्स्ट क्या करना है, बी बी टू जो भी रेंजिंग रॉड एट ए है उसको बाइसेक करना है और रे ड्रॉ करना है, उसका डिस्टेंस मुझे पता नहीं है। अभी नेक्स्ट आप क्या करोगे, अभी अप्रोक्सीमेटली A1 पे आप क्या ए स्टेशन पे आप A1 को रेफरेंस लेके वहाँ पे प्लेन टेबल फिक्स करोगे। ओके, ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग करना है, दैट मीन्स A1 टू B। ओके,
वो रे वहाँ पे जाना चाहिए, दैट मीन्स A1 to B को रेफरेंस लेके आपको बैक साइटिंग, दैट मीन्स यहाँ पे आपको A1 B पे एलिडाइड रखना है, टेबल को ओरिएंट करना है और वो B को बाइसेक करेगा, ऐसा आपको ओरिएंटेशन करना है। देन अगेन P में से आप P और Q पॉइंट तो है ही हमारे पास, ओके। तो P पॉइंट पे से आपको क्या करना है, कैपिटल P बाइसेक करना है, ओके, विद द हेल्प ऑफ एलोडाइड, और ये रे को वहाँ पीछे शिफ्ट करना है, ओके, एक्सटेंड करना है। अगेन क्यू पे आप रखोगे, अगेन आपके पास दूसरा क्यू पॉइंट है, तो क्यू पॉइंट से आपको अगेन क्या करना है, क्यू पॉइंट है तो क्यू सॉरी, ये P to A1, ओके। तो A1 से अभी आप क्या करोगे, A1 से क्यू बाइसेक करोगे, ओके, पी से नहीं करना होता है, यहाँ पे A1 से आप बाइसेक करोगे, तो A1 पे आप एलाइड रखोगे और क्यू बाइसेक करोगे, ओके। तो वो बी क्यू ऑलरेडी जो प्लॉटेड पोजीशन है वो Q1 में मिलेगा, दैट मीन्स जो भी ये रे है, ओके, बी एंड क्यू, तो क्यू ए वन आपने जो किया है तो दोनों का एक पॉइंट मिलेगा, दैट इज पॉइंट Q1, ओके। देन नेक्स्ट अभी क्या करना है आपको, आपके पास A1 की लोकेशन मिल गई, Q1 की लोकेशन मिल गई, अभी आपको एलोडाइड कहाँ पे रखना है, Q1 है उस पर एलोडाइड रख के आपने रेंजिंग रोड एट R बाइसेक किया, ओके, और उसका लोकेशन फिक्स किया। अभी नेक्स्ट क्या करोगे, P और Q जो भी है उस पर एलोडाइड रख के टेबल को ओरिएंट करोगे, ओके, एंड रेंजिंग रोड एट R बाइसेक करोगे, तो बाइसेक करोगे तो आपको नेक्स्ट क्या मिलेगा, जो भी है एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ पी क्यू आपको मिल जाएगा। एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ पी एंड क्यू मिल जाए तो बाद में आप पी और क्यू पर से आपको क्या करना है, ए का लोकेशन फिक्स करना है, और ए का लोकेशन फिक्स हो जाए तो उसको ग्राउंड पर ट्रांसफर करना है। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ टू पॉइंट, दैट इज द टू पॉइंट प्रॉब्लम मेथड, ओके। द नेक्स्ट वन इज द थ्री पॉइंट प्रॉब्लम। इन दिस प्रॉब्लम थ्री वेल डिफाइंड पॉइंट्स आर सिलेक्टेड हुज पोजिशन हैव ऑलरेडी बीन प्लॉटेड ऑन द मैप। देन बाई परफेक्टली बाइसेक्टिंग दिस थ्री वेल डिफाइंड पॉइंट्स, ए न्यू स्टेशन इज एस्टेब्लिश एट द रिक्वायर्ड पोजिशन। नो एक्सिलरी स्टेशन इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। दिस टेबल इज डायरेक्टली प्लेस्ड एट द रिक्वायर्ड पोजिशन एंड द प्रॉब्लम मे बी सॉल्व बाय द फॉलोइंग मैथड। दैट मीन्स ये तीनों पॉइंट का यूज करके ही आपको थ्री पॉइंट प्रॉब्लम करना है, ओके। तो फर्स्ट में क्या है, आपने CA पे आपने रखा, दैट मीन्स आपने स्टेशन कौन सा सिलेक्ट किया, सी, ओके। तो सी में से सी और ए एंड सी टू, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको AC पे AB और C तीनों लाइन आपके पास है, ओके, जो भी AB और C तीनों पॉइंट्स आपके पास है। तो सपोज ABC आर थ्री वेल डिफाइंड पॉइंट्स विच हैव बीन प्लॉटेड एज ABC, नाउ इट इज रिक्वायर्ड टू लोकेट ए स्टेशन एट P, ओके। तो द टेबल इज प्लेस एट द रिक्वायर्ड स्टेशन P, ओके, दैट मीन्स आपके पी आपको पी पे आपका जो भी टेबल है वहाँ पे रखना है, और द एलिडाइड इज प्लेस अलॉन्ग द लाइन CA, ओके। तो आपको CA लाइन पे आपको एलिडाइड रखना है और A को बाइसेक करना है। द टेबल इज क्लैम्प विद द एलिडाइड इन सेंटर्ड ऑन C, दैट मीन्स C पे आपका एलिडाइड सेंटर होना चाहिए। द पॉइंट B इज बाइसेक्टेड, दैट मीन्स यहाँ से आपको B को बाइसेक करना है, जो ऑलरेडी प्लॉटेड पोजीशन है यहाँ है, और आपने बाइसेक किया तो यहाँ पे आपको दूसरा पॉइंट मिला, दैट मीन्स दूसरा लाइन मिला, दैट इज C to B, और ओरिजिनली ये है B पॉइंट, ओके। द नेक्स्ट ऑपरेशन है उसमें क्या करना है, अगेन एलिडाइड इज प्लेस्ड अलोंग द लाइन AC। तो अभी आपको ये पॉइंट पकड़ना है, और A to C AC जो लाइन है उसको पकड़ के पॉइंट C इज बाइसेक्टेड। तो आपने पॉइंट C को बाइसेक कर दिया, एंड द टेबल इज क्लैम विद द एलिडाइड टचिंग पॉइंट A। आपको क्या करना है, द पॉइंट B इज बाइसेक्टेड, तो आपने B को बाइसेक कर दिया, ओके। एंड ए रे इज ड्रॉन, सपोज दिस रे इंटरसेक्ट्स द प्रीवियस रे एट पॉइंट D, दैट मीन्स जो भी इसमें किया था, तो आपको एक AB है, तो AC जो भी लाइन है वो यहाँ पे आ गई, देन B2C आपके पास था, तो अगेन आप जो भी करोगे तो वो एक BC लाइन को कहाँ पे इंटरसेक्ट होगा, दैट इज D पे इंटरसेक्ट होगा, ओके। एंड द एलिडाइड इज प्लेस्ड अलोंग DB, दैट मीन्स आपको एलिडाइड DB पे रखना है,
और बी को बाइसेक करना है और ये रे को एक्सटेंड नीचे करोगे, ओके, दैट इज द लोकेशन ऑफ पी। Thalidiide is placed along DB and the point B is bisected. At this position, the table is said to be perfectly oriented. इसको बोल सकते हैं कि ये table perfectly oriented है. Now the rays AA, BB, CC are drawn. These three rays must meet at a point P, which is the required position or point on the map. This point is transferred to the ground by U fork and plumber. Then next one is 3-point problem में कौन सी method है? Mechanical method है. तो मैकेनिकल मेथड में क्या है, यहाँ पे थ्री वेल डिफाइंड पॉइंट्स है, पॉइंट्स विच हैव बीन प्लॉटेड ऑन द मैप एज ए बी सी एंड इट इज रिक्वायर्ड टू लोकेट अ स्टेशन एट पी। द टेबल इज प्लेस एट पी एंड लेवल, दैट मीन्स आपको पी पे आपको टेबल प्लेस करना है और लेवल करना है। ट्रेसिंग पेपर इज फिक्स्ड ऑन द मैप, ट्रेसिंग पेपर आपको यहाँ पे फिक्स करना है टू द पॉइंट, ट्रेसिंग पेपर जो भी है विच इज फिक्स्ड ऑन द मैप एंड पॉइंट पी इज मार्क ऑन इट, दैट मीन्स वहाँ पे आपको पी पॉइंट को मार्क करना है। विद द एलिडाइट सेंटर्ड ऑन पी, विद द एलिडाइट सेंटर ऑन पी, दैट मीन्स आपको एलिडाइट को सेंटर ऑन पी करके पॉइंट ए बी सी आर बाइसेक्टेड, दैट मीन्स पी पे से आपको बी पे एलिडाइट, पी पे एलिडाइट रखना है और ए बी और सी बाइसेक्ट करना है और रेज ड्रॉ करना है, ओके। And this rays may not pass through the points A, B, C as the orientation is not done perfectly. That means initially यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी हमने bisect किया वो rays exactly A, B और C में से नहीं जा रहा है, small A, B, C में से। तो आपको क्या करना है, P point को ऐसे select करना है जिससे A, B और C दोनों ranging, तीनों ranging rod bisect हो, ऐसे उस tracing paper को move करना है। दैट इज़ द लोकेशन ऑफ पी, आपको वो ट्रेसिंग पेपर पे से शीट पे लाना है और शीट पे से आपको ग्राउंड पे ट्रांसफ़र करना है, दैट इज़ द लोकेशन ऑफ पी और लोकेशन ऑफ स्टेशन पी। नाउ ट्रेसिंग पेपर इज अनफास्टन एंड मूव ओवर द मैप इन सच ए वे दैट द सी इज साइमल्टेनियसली पास थ्रू द प्लॉटेड पोजिशन ए बी सी, दैन द पॉइंट पी इज फिक्ड विद ए पिन टू गिव एन इम्प्रेशन पी ऑन द मैप, पी इज द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द मैप एंड द ट्रेसिंग पेपर इज देन रिमूव्ड, दैन द एलिडाइड इज सेंटर्ड ऑन पी, the rays drawn towards ABC. These rays must pass through the point ABC. The method of trial and error. Okay? तो आपको क्या करना है इस मेथड में, सपोज ए बी सी आर द थ्री वेल डिफाइंड पॉइंट्स विच हैव बीन प्लॉटेड एज ए बी सी, ओके, ऑन द मैप। नाउ इट इज रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश अ स्टेशन पी, आपको क्या करना है पी स्टेशन को एस्टेब्लिश करना है, ओके। तो उसके लिए टेबल इज सेट अप एट पी एंड लेवल, ओके। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पी पे टेबल सेट करना है और लेवल करना है। ओरिएंटेशन इज डन बाय आई एस्टिमेशन विद एलिडाइट, द रेस ए ए बी बी और सी सी आर ड्रॉन, दैट मीन्स आपको विद द एलिडाइट टचिंग पॉइंट ए बी सी, तो ए को ए से बाइसेक्ट करो, देन यहाँ पे एलिडाइट रखो ए पे और वहाँ से रनिंग रोड एट ए बाइसेक करो, बी पे एलिडाइट रख के कैपिटल बी को बाइसेक करो, सी पे एलिडाइट रख के आप कैपिटल सी को बाइसेक करो, दैट मीन्स ए बी सी पे क्या लगा होगा, रनिंग रोड लगा होगा, ओके। देन अलग अलग रेज मिलेंगे, वो देखो कि एक पॉइंट में जा रहा है नहीं जा रहा है, तो दिस वन इज कॉल्ड ट्राइंगल ऑफ एरर, ओके। वो कैसे हमको रिमूव करना है, तो टू गेट द एक्चुअल पॉइंट दिस ट्राइंगल ऑफ एरर इज टू बी एलिमिनेटेड बाई रैपिडली टर्निंग द टेबल क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज एंड द ट्राइंगल इज एलिमिनेटेड इन सच ए वे दैट द रेज ए ए बी बी एंड सी सी फाइनली मीट एट ए पॉइंट पी, दिस इज द रिक्वायर्ड पोजिशन ऑन द मैप, दिस पॉइंट इज ट्रांसफर्ड टू द ग्राउंड बाई यू फॉर्क एंड प्लम बॉब, ओके। तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो रहा है, ओके। अभी इसका असाइनमेंट वगैरह हम मैं आपको दे दूंगी, वो आप लिखना स्टार्ट कर देना, उसमें लास्ट डेट भी मेंशन किया हुआ है, ओके। थैंक यू।